नमस्कार, मैं पलक यादव, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। बुंदेलखंड के महोबा में एसओजीवा पुलिस की संयुक्त टीम ने 350 क्विंटल सरसों चोरी के मामले का खुलासा करते हुए 4 जालसाज अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 105 क्विंटल सरसों सहित बेचे गए माल के 7 लाख रुपए भी बरामद किए। आपको बता दें कि कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कस्बा जैतपुर निवासी व्यापारी गजेंद्र साहू ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया था कि बीती 16 अक्टूबर को उसने कटियार एंटरप्राइजेज कानपुर के ट्रक से 350 क्विंटल सरसों पश्चिम बंगाल भेजा था, लेकिन एक सप्ताह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी ट्रक वहां नहीं पहुंचा। ट्रक चालक व परिचालक के मोबाइल भी बंद होने के चलते पीड़ित व्यापारी ने माल गायब होने की आशंका जताते हुए मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद एसओजी व कुलपहाड़ कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम जांच में जुटी हुई थी और इससे संबंधित विभिन्न साक्ष्य एकत्रित करने के दौरान मुखबिर से सूचना मिलने पर कुलपहाड़ नौगांव रोड स्थित रेलवे ओवरब्रिज के पहले 4 अभियुक्तों सौरभ प्रजापति, हरिओम दीक्षित, रजनीश दीक्षित व प्रभाकर दीक्षित को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से चोरी किया गया। 220 बोरी सरसों, जिसका वजन 105 क्विंटल व बेचे गए माल के 7 लाख रुपये और कूट रचित नंबर प्लेट सहित ट्रक भी बरामद किया। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया गया है। 2024 को ग्राम जैतपुर थाना कुलपहाड़ में एक व्यक्ति द्वारा ट्रक के गबन की सूचना दी थी, जिस ट्रक में सरसों लदा हुआ था। सूचना पर थाना कुलपहाड़ में मुकदमा पंजीकृत कर बरामदगी के लिए टीमें गठित कर दी गई थी, जिसमें आज 7/11/2024 को 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं एक अदद कूट रचित नंबर प्लेट सहित ट्रक में 220 बोरी सरसों, 7 लाख रुपए व 4 अदद मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। अभियुक्त गण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हर खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ।